नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एनजीएस में। अच्छा अच्छा की गणित है दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 6.2 एनसीईआरटी कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे -7 और माइनस निशान, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, -7 और माइनस, फिर देखते हैं और क्या है। ठीक है दोस्तों, निशान इसका माइनस है और इसका माइनस, अगर निशान एक जैसे हो तो दोस्तों हम जोड़ देते हैं, 9 और 7 होता है 16, मगर निशान निशान वो रहेगा, अगर जो जो भी निशान है दोस्तों माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ये दोनों प्लस होते हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए, कुल मिला के ये होना चाहिए जोड़ने की, जो है दोस्तों जोड़ने की कंडीशन ये है कि निशान एक जैसे होने चाहिए, और बाद में जोड़ दीजिए और निशान वो लिख दीजिए जो है, अगर ये दोनों दोस्तों प्लस होते तो प्लस लिख देते हैं, या कुछ भी नहीं लिखना भी प्लस लिखना है। ठीक है, अब इसमें 4 जोड़ना है और 16 जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये +16 और ये -16 मिलके 0 बना देंगे, सीधे आ जाएगा 4। मानते हैं कोई भी संख्या हो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कोई भी संख्या अगर माइनस हो उसमें वही संख्या जोड़ दें प्लस की तो हमें 0 मिल जाएगा, जैसे -3 और 3 0, -1 और 1 0। ठीक है, उसी प्रकार 16 और -16 0, बचा 4। इस वाले में देखते हैं दोस्तों, दोस्तों इन दोनों को देखें, -2 और -8 मिला के क्या बना देंगे दोस्तों, ये 37 है, +-65। -8 और -2 दोनों निशान एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे और निशान रहेगा माइनस का, जैसे हमने ऊपर किया था, -7 और -2 जुड़ गया 16, निशान वो है जो है, यहाँ -8 और -2 है, दोनों एक जैसे निशान है जोड़ दिए, यहाँ भी दोस्तों एक जैसे निशान है जोड़ दिए और निशान माइनस का रहेगा, जोड़ देंगे 75। अब दोस्तों देखो, अब ये वाला प्लस है और ये वाला है माइनस, है ना, एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा घटता है, मगर निशान उसका रहेगा जो बड़ा है, 75 बड़ा है ना, तो निशान माइनस का रहेगा, और 75 में से 37 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 75 में से 35 जाता तो 30 बचता, 37 जा रहा है तो 28 बचेगा। हो गया, धन्यवाद।